चंबल से राजनीति का गहरा ताल्लुक रहा है। चंबल में मलखान सिंह इस नाम से कौन परिचित नहीं है। राजनीति से जुड़े, समाज सेवा से जुड़े हम बात करेंगे आज। खुद मलखान सिंह जी हमारे साथ हैं। मलखान सिंह जी, कब आपने आतंक छोड़कर समाज सेवा में आने का फैसला किया और क्या वजह थी उसके पीछे? असल में क्या है, 1982 में तो मैंने समर्पण किया माननीय अर्जुन सिंह के टर्म, और समाज सेवा भी पहले ही थी, जहाँ मतलब एक 100 बीघा जमीन का मसला हो भिंड में, और राम जानकी की जमीन मतलब लफंगे लोग जोते खाएं, तो बहुत बड़ा अपराध है। हम 18 साल की उम्र में थोड़ा पंच बने तो उसमें हमने बर्दाश्त नहीं किया। मैंने कहा आप ये जमीन मंदिर की मंदिर से लगाओ, आप तमाम अन्य अत्याचार, दुनिया के केस लगाना, झूठे मुकदमे डालना, गोलियां चलाना, बर्दाश्त करते रहे, वो एक अलग बात। अकेले क्या है कि मैंने ये देखा है कोई सुनने वाला नहीं। आवेदन कितना भी देते रहो, आवेदन की कोई गौर नहीं करते। यदि आवेदन की गौर कर ली जाए तो मेरा ख्याल है ये चंबल पे कोई बागी नहीं बनता। क्या वजह थी राजनीति में आने की उसके बाद? राजनीति खराब नहीं है, राजनीति एक देश को चलाने के लिए और समाज को चलाने के लिए जो राजनीति की जाए उस ढंग से की जाए, तो राजनीति में कोई ऐसी चीज नहीं है कि राजनीति खराब चीज है। राजनीतिज्ञों का और जो आतंक फैलाने वाले दस्यु तत्कालीन रहे, उनका क्या रिश्ता रहा? आपने तो बहुत करीब से देखा होगा। नहीं, चंबल के लोगों पे कोई मतलब कभी आतंक नहीं रहा। वो तो अपने हक और अपने न्याय की लड़ाई लड़े। अन्याय अत्याचार के खिलाफ अगर कोई बंदूक उठाए, हर किसी बहनी बेटी के साथ में कोई अन्याय करे और किसी की जमीन छीने, तो बंदूक तो किसी को उठाना चाहिए, कोई भी उठाना चाहिए। क्या राजनीतिक संरक्षण? आज आज की स्थिति देखिए आप, का पिता अपनी बेटी की रिपोर्ट थाने में लिखाता है, शर्म वाली बात। बयान दे रही बच्ची, पहले ऐसे था नहीं, उस लफंगे को चौराहे पे गोली से मार देना चाहिए। 15 साल के जीवन में एक भी बलात्कार नहीं देखा मैंने, और एक भी कोई सिद्ध करके अभी बता दे तो मुझे उसी जेल में वापस कर दिया जाए। इतनी मैंने कंट्रोल की और इतनी बहन बेटियों को बचाया, जबकि शासन से लड़ाई लेने के बाद इनके पास तो सारी व्यवस्था है, हथियार से लगाए के, पैसे से लगाए के, गाड़ियों से लगाए के, फिर भी ये क्यों हो रहा है? आपने कहा कि 15 साल तक आपने कभी बलात्कार नहीं देखे, नहीं कभी आप कोई बड़ा, बहुत बड़ा अपराध या इस तरह की चीजें, ऐसा कोई मतलब नरसंहार नहीं किया हमने। हमने अपनी 100 बीघा जमीन अर्जुन सिंह से कहकर लगाई मंदिर से, ट्रस्ट है, कलेक्टर अध्यक्ष हैं, उसके सदस्य हैं, पूजा हो रही। हमारा एक ही लक्ष्य था कि मंदिर की जमीन मंदिर से लगा दी जाए, मेरी लड़ाई लास्ट है। अच्छा। और मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, न मैं हमने किसी भारत सरकार में समर्पण किया, मैंने कोई किसी से पेट्रोल पंप नहीं मांगा, कुछ नहीं। हम सादा आदमी हैं, 2 कमरे के मकान में ग्वालियर रहते हैं, ज्यादा हम VIP नहीं और सादा आदमी रहते हैं। हम कंकड़ पत्थरों सांप बिच्छुओं में हमने अपना समय काटा। सामाजिक तौर पर इतना लंबा समय व्यतीत किया, राजनीतिक तौर पर सफलता क्यों नहीं मिली? मैं बता तो रहे आपके, राजनीति की सफलता इसलिए नहीं मिल पाएगी कि हम उसमें उनकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। राजनीति जिस मोड़ में चलती है और राजनीति मोड़ती है, उस मोड़ में हम नहीं चल पाएंगे। हम अपने आधार से चलेंगे, अपने मोड़ से चलेंगे, समाज सेवा, हाँ, उससे नहीं चलेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो मलखान सिंह जी, राजनीतिक तौर पर अक्सर जब दस्यु अपना बीहड़ छोड़कर, अपना आतंकी जिंदगी छोड़कर जब सामान्य रूप से समाज सेवा के लिए आता है, उसके बाद राजनीतिक तौर पर सफलता क्यों नहीं मिलती, इसको लेकर के साफ तौर पर मलखान सिंह जी ने कहा कि जो राजनीति करने के लिए जरूरी है वो गुण इनमें नहीं है, और ना ही जो बीहड़ का बागी रहता है उसके अंदर इस तरह के गुण होते हैं, इसीलिए शायद वो राजनीति में सफल नहीं हो पाता। दूसरा कि जब तक बीहड़ में 15 सालों तक मलखान सिंह जी ने राज किया, जब तक उन जंगलों में वो भटकते रहे, तब तक इस तरह का समाज नहीं था कि उसमें बलात्कार या कोई बड़े अपराध हो,
लेकिन जाहिर है कि राजनीतिक का वो स्वरूप जो वर्तमान में है या जो पिछले कुछ दिनों में कुछ समय में रहा है वो इनको पसंद नहीं आया और इसीलिए राजनीति में आज नहीं है। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काले, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।